बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम योर इंग्लिश बाल भारती बुक स्टैंडर्ड 2 पेज नंबर 43। ओके बेटा, आप लोग अपनी बाल भारती बुक से, इंग्लिश बाल भारती बुक से पेज नंबर 43 ये निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए, लुक एट द पिक्चर बिलो, नेम द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स। ये प्लांट दिया हुआ है और हमको इसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं, जो हिस्से हैं, उनको नाम देना है, ठीक है। ये जो नाम है वो साइड में दिए हुए हैं, हमको इसमें से चुन के नाम लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम ये नाम पढ़ते हैं, बर्ड, BUD, बर्ड, BUD, बर्ड। लीफ, LEAF, लीफ। फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। फ्रूट मतलब फल। स्टेम, स्टेम यानी तना, ये दिखाई दे, तना। रूट, रूट मीन्स ये जड़, ये जड़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रूट। सीड्स, सीड्स मतलब बीज, ये जो बीज दिखाई दे रहा है ये फ्रूट है बेटा, इसमें जो है सीड, सीड जो बीज है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, सीड्स, ठीक है। अब हमको यहाँ ढूंढकर ये नाम लिखना है, ठीक है। बर्ड, ये देखिए, इसे कहते हैं बर्ड, ओके। हम यहाँ लिखेंगे BUD, बर्ड, ओके। नाउ सेकेंड है लीफ, लीफ यानी पत्ते, लीफ यानी पत्ते। अब हम देखेंगे पत्ते क्या कहाँ हैं, ये देखिए, ये है पत्ते, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे लीफ, LEAF, लीफ, ओके। अब ये देखिए फ्लावर, अब फ्लावर देखिए कहाँ है, है ना, ये है फ्लावर। हम यहाँ लिखेंगे FLOWER, फ्लावर, ओके। अब है फ्रूट, अब देखिए फ्रूट कहाँ है, फ्रूट मीन्स फल, ये देखिए ये है फल, है ना, फ्रूट। अब हम यहाँ इसको नाम देंगे FRUIT, फ्रूट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्टेम, स्टेम मीन्स ये तना, ठीक है, स्टेम, है ना। हम यहाँ इसको नाम देंगे स्टेम, दिस इज स्टेम, ओके। नाउ दिस इज नेक्स्ट इज रूट, वेर इज रूट, रूट मीन्स जड़ें, ये देखिए दिस इज रूट, ओके। वी हैव टू राइट हियर रूट। नेक्स्ट सीड्स, अब यहाँ देखिए जो फल है इसको देखिए काटा गया है, इसमें सीड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ लिखेंगे हम सीड्स, ठीक है। आप लोग अपनी बुक में ये नाम लिख लेंगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखिए द वर्ड्स, देखिए मैं पढ़ रही हूँ, द वर्ड सीड, वीड,
नीड हैव टू ई लेटर्स इन द मिडल, मतलब सीड वीड इन अल्फाज में, इन वर्ड्स में उनके बीच में ई कितनी बार है, डबल ई है ना, डबल ई. फाइंड आउट सम मोर मीनिंगफुल वर्ड्स दैट हैव टू ईज इन मिडल. अभी हमको ये जो खाका दिया हुआ, ये चार्ट जो दिया हुआ है, इसमें से हमको ऐसे और भी वर्ड्स निकालना है और वर्ड्स बनाना है जिनके बीच में डबल ई आए. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. लुक हियर, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख कर बताया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं ना. ये एस को लिया है, एस डबल ई एंड डी. ओके, क्या बना है, सीड, एस डबल ई डी सीड. ओके, अब सेकेंड लिया है एफ डबल ई एल, ये है फील. रिपीट आफ्टर मी, या फील, फील, एफ डबल ई एल, फील, फील मतलब महसूस करना. सीड यानी बीज. अब नेक्स्ट हमको बनाना है. अब एफ के बाद क्या है बेटा, व्हाट इज़ द नेक्स्ट अल्फाबेट, जे. ठीक है, जे, जे डबल ई पी, जीप. वी हैव टू राइट हियर जे डबल ई पी. ओके, जीप, ये हमने एक वर्ड बनाया है. कि नाउ लुक हियर, अब हम लेंगे के, के डबल ई एन, कीन, के डबल ई एन, कीन. कीन का मतलब होता है बहुत ही बारीकी से, दम गौर से, बारीकी से देखना. ये हो गया. अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या है, डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू डबल ई पी, डब्ल्यू डबल ई पी, वीप. ओके, वीपिंग, वीप यानी रोना. ओके, वीप, वीप मतलब रोना, सिसक सिसक के से रोते हैं ना, उसे कहते हैं वीप, वीपिंग. अब नेक्स्ट देखिए, अब पी, पी डबल ई एल. ओके, पी डबल ई एल, पील, पील मतलब छीलना. ठीक है, सीड, फील, जीप, कीन, वीप, पील. अब नेक्स्ट देखिए, अब हम और बनाएंगे. फिर से हम क्या लेंगे, एस लेंगे, एस डबल ई एन, एस डबल ई एन, सीन. ओके, सीन. ठीक है, सीन, सीन मतलब देखा, देखना. ठीक है, अब यहाँ देखिए एफ डबल ई टी, एफ डबल ई, एफ डबल ई टी, फीट, फीट मतलब पंजा, पैरों के पंजे होते हैं ना, फीट. अब देखिए नेक्स्ट, के डबल ई पी, कीप, के डबल ई पी, कीप, कीप मतलब रखना. ठीक है, अब यहाँ देखिए डब्ल्यू लेंगे हम, डब्ल्यू डबल ई के, वीक. ठीक है, वीक, W
double E-K, weak. Now next is W, double E and D, W, double E and D, weed. ठीक है, वीड मतलब गैर ज़रूरी पौधे जो उगते हैं ना, जैसे वो बिना उगाए ही उग जाते हैं, उन्हें कहते हैं वीड. अब लास्ट है पीक, ये हमने पी लिया डबल ई और के, पी ई ई के, पी ई ई के. ठीक है, इस तरह आप लोग ये अपनी बुक में लिखेंगे और ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे. ओके, ठीक है, यू विल राइट इन योर बुक. ओके, और मुझे सुनाएंगे, आप लोग याद करके मुझे सुनाएंगे. ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़.